सुलह करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहला, आप जब किसी के पास में फॉलोअप करने जा रहे हो, सबसे पहला आपका ड्रेस कोड परफेक्ट है कि नहीं है, ये आप चेक करो। आदमी कंपनी को बाद में देखता है, पहले आपके बाहर के शोरूम को देखता है। प्लस थर्ड पार्टी के लिए, अगर वो हाउसवाइफ है, अगर वो डॉक्टर है, अगर वो पुलिस है, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो ठेले वाला है, हर कैटेगरी की वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। आपके पास में वीडियो का कलेक्शन होना चाहिए मोबाइल के अंदर। कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं आपको खुद ही कंपनी का ओनर मानता हूं। आपको आज के बाद कंपनी का ओनर मानना है। आप कभी कोई कार के शोरूम में चले जाना, जब आप कार के शोरूम में जाओगे, जब एक सेल्समैन आता है आपके सामने पूरा ड्रेस कोड पहन के, दोस्त बुरा मत मानना, जब वो अपने कस्टमर को प्लान समझाता है 10 लाख की कार बेचने का, वो समझाने का तरीका इतना तगड़ा होता है कि जैसे साला कार का शोरूम का मालिक तो ये खुद ही है, वरना 20,000 की नौकरी करता है वो, है वहां पे। लेकिन समझाने का एटीट्यूड, समझाने की जो स्टाइल तरीका क्या होता है, कस्टमर को भरोसा दिलाने का जो तरीका होता है, जैसे सामने कार तो इसने खुद नहीं बनाई हो। पिक्चर ऐसे समझाता है जैसे सारे पिक्चर इसी ने डाले हो। कार में क्या क्या पिक्चर है, कितने का एवरेज देती है, कार कितनी फास्ट चलती, कितनी धीरे चलती है, इस तरीके से समझाता है। उसका कॉन्फिडेंस देखो, जैसे सारा कार को बनाया किसने, मत मानना वो आदमी बिना झिझक के कस्टमर को 10 लाख का प्रोडक्ट बेच देते हैं। बुरा मत मानना, हमारे पास कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से साला हम आदमी को 10,000 का प्रोडक्ट बेच नहीं पाते। कंपनी का अपने आप को ओनर नहीं मानते। आज के बाद जो साला शेफ शो को अपनी कंपनी मान के काम करना, क्योंकि महेश सामरिया 5 साल से शेफ शो को अपना मान के काम करता। फॉलोअप में सबसे पहला काम, फॉलोअप मतलब पहला काम भरोसा। हेलो, भरोसा, भरोसा। अब क्या है, ध्यान देना, सबसे पहला आदमी से ज्वाइनिंग लेने के लिए, उसको इस बिजनेस में लाने के लिए, क्योंकि उसको इस बिजनेस की ताकत पता नहीं है। पहला आपको काम करना, उस आदमी की जगह की वैल्यू बतानी है कि अभी ज्वाइन करने से उनके साथ हो क्या सकता है। और ये भरोसा पूछो किनको दिलाना होता है, किनको? जिसका गेस्ट है, जो उसको लेके आया हो, उसको सबसे ज्यादा भरोसा दिलाने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पूछो प्रॉब्लम क्या होती है, क्या गेस्ट इस भाई का है, भरोसा ये दिला रहा है, और वो सामने वाला आदमी दिमाग में ये सोच रहा है इसके भरोसे से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो ले गया वो दिलवाए, और ये दिला नहीं रहा साला। बहुत गहरी बात है, पकड़ना इसको, बहुत गहरी बात है ये। क्यों लोगों के रिजल्ट नहीं आते हैं, जो लेके गया जिसको लेके गया वो तो दिला रहा है, लेकिन उसको भरोसा हो नहीं रहा। पूछो क्यों? क्योंकि जिसको लेके गया उसको जानता नहीं, लेकिन जो लेके गया है वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। यस और नो? यस। अब जो जानता है वो भाई साहब चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, देख लो, आपकी इच्छा है, कर लो। अरे भाई, जिसका गेस्ट है उसको भरोसा दिलाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल गुरुजी, वो ये सोचता है कि सीनियर है ना अपना, ये दिला देगा क्या? यस। अरे भाई, बुरा मत मानना, हमारे घर में शादी ब्याह भी होते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो सबसे ज्यादा रिश्ता कैसे होता है, जब कोई रिश्तेदार भयंकर भरोसा दिलाता है तभी तो रिश्ता होता है। यस। वरना जो रिश्ता करवा रहा वो बोल रहा है ये रहा लड़का, ये रही लड़की, मुझे कोई मतलब नहीं है। पसंद है? पसंद है? देख लो, जैसे ही ये कुछ नहीं बोलेगा, लड़के वाले की तो आए नहीं आए, लेकिन लड़की वालों के दिमाग में तुरंत फटूर आ जाएगा, कुछ मिस्टेक है, तभी ये बोल नहीं रहा है कुछ। लेकिन वही मैं रिश्ता करवा रहा हूं, ये लड़की ये लड़का, लड़के वालों को बोलूंगा, अरे मैं बेटा हूं ना, क्या दिक्कत है? देखो, जो होना है वो सब कर्मों पे है,
जहाँ जोड़ी लिखी हुई वही होगी। लड़का बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, क्या दिक्कत मतलब रिश्ता होगा कि नहीं होगा। yes! मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ मीटिंग में, अगर आपको यहाँ पर भरोसा नहीं है कि आपका कुछ हो सकता है तो किसी को फंसाना मत। अगर आपको भरोसा नहीं है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, किसी को फंसाना मत। अगर आपको भरोसा कुछ हो सकता तो साला फिर किसी को छोड़ना भी। लोग पैसों को लेकर रोते, मेरे पास पैसे नहीं, तो आप अपने बारे में बताओ कि मैंने भी कैसे कैसे जुगाड़ किया। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको करने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं है तभी तो करना। आपने कैसे जुगाड़ किया वो तरीका बताओ उनको। क्योंकि होता किसके पास, अच्छा काम मिलता है तब पैसा नहीं होता, जिसके पास होता है उसके पास भी नहीं होता। पूछो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि अच्छा काम जब आए और अगर पैसा तुरंत मिल जाए तो फिर अच्छे काम की वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए भगवान क्या करता है, अच्छा काम जब भी आता तो पैसे के जुगाड़, पैसा नहीं होता, जुगाड़ करना पड़ता है। ये सुनो, लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है, आपके नीचे जा सकती है, इस बात का क्या दिलवाना है? समय, पैसा, सुरक्षा, सेहत मिलेगी आने वाले टाइम में, उसको क्या मिल सकता है? बैंकर, उसको वीडियो दिखाओ, उसको भरोसा दिलाओ जिसका गेस्ट है उसको ये काम करने की जरूरत है। अगर जिसका गेस्ट है, अगर उसने ये काम किया, मैं लिख के दे सकता हूँ 10 में से 7 लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है। फायदे को कोई आदमी पागल नहीं है जो तुमसे माल खरीदेगा, मार्केट में वैसे ही मिल रहा है, तो उसको फायदा दिखाओ। पहला फायदा, पैसे के बदले क्या मिल जाएगी, ये फायदा दिखाओ आदमी को कि भाई पैसे के बदले आपको क्या मिल रही है, पहला फायदा। दूसरा, कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसे कमाने का मौका है, ये क्या दिखाना पड़ेगा, फायदा। ब्रांडेड चीज मिल रही है, जल्दी सपने पूरे करने का मौका मिलेगा, मरने के बाद भी पैसा मिलता है और सम्मान भी मिलता है। आप यूट्यूब पे जाके रामकृष्ण यादव गुरु जी की एक वीडियो है, उनमें उन्होंने 40 फायदे दिखा रखे हैं। कितने? 40। अगर आप जब तक लोगों को फायदे नहीं दिखाओगे तब तक आपके साथ जुड़ने वाले नहीं। क्योंकि आप बताओ, मैं फायदा नहीं होता तो मैं बेवकूफ था जो रकम गिरवी रख के ज्वाइन करता है, पागल था। लेकिन कुछ तो फायदा दिखाया उन्होंने, इसलिए मैंने रकम गिरवी रखी। आज आप 10,000 के लिए बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सोचो आपको कुछ हो गया तो इस परिवार का क्या होगा। ये सर नो? Yes. बच्चों की शादी, बताओ सर, आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, बच्चों की शादी कैसे की जाएगी? आज तो आप 10,000 लगा के 2-3 साल काम कर लिया तो कहीं से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के कर्जे है। बोले सर बताओ, जिंदगी में मेरे पापा ने, मैं फोलअप में बोलता था, सर मेरे पापा ने भी मेरे बहन भाइयों की शादी कर्जा लेके की है। सर बुरा मत मानना, आपको भी कर्जा लेना पड़ेगा। बताओ आपके अकाउंट में आज कितनी सेविंग आपने कर रखी है? नहीं कर रखी ना सर। एक बार दम लगा के काम करो, टीम बनेगी तो कुछ जुगाड़ यहाँ से भी होगा। आज आप 10,000 की वजह से पीछे हट रहे हो, आप बताओ आपकी टीम कहाँ काम कर रही है? बोला नहीं काम कर रहे। बोला सर एक बार 10,000 की शॉपिंग करने के बाद आपको यहाँ पे साला फ्री में टीम बनाने का मौका है, और अगर आपने 500-600 लोगों की टीम बना ली ना सर, बुरा मत मानना, आप इस काम में नहीं रहोगे तब भी 1,000 लोग काम करेंगे तो पैसे यहाँ पर आएंगे, इस बात का भरोसा और डर जगाना पड़ेगा।